उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जूस विक्रेता लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था। फिलहाल शिकायत के बाद आरोपी जूस विक्रेता और उसके 15 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। दुकान से एक केन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बालअपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में आपको बताएं तो जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को एक जूस विक्रेता को गिरफ्तार किया गया और उसके 15 वर्षीय बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। यह मामला कथित तौर पर ग्राहकों को पेशाब मिला हुआ फलों का जूस परोसने का है। पुलिस के मुताबिक लोगों की शिकायत के बाद यह गिरफ्तारी की गई कि जूस विक्रेता ग्राहकों को मनुष्य का पेशाब मिला हुआ फलों का जूस परोसता रहा था। ऐसे में स्टॉल से बरामद हुआ पेशाब भरा कैंटल। आपको बता दें कि ACP अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को बताया गया कि आरोपी की पहचान आमिर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके जूस स्टॉल की तलाशी की। ऐसे में जहां से पेशाब से भरा एक प्लास्टिक का केन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि मालिक से पेशाब से भरे कंटेनर के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक केन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बालअपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि वर्मा ने बताया कि मामले में जूस विक्रेता के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। जूस विक्रेता के खिलाफ ग्राहक कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई पुलिस टीम की तरफ से की गई। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक केन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बालअपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वीओ रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।